नमस्कार, मैडम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है 23 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। तमाम मुद्दे हैं बिहार में, जिस तरीके से बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के 23 तारीख को आरजेडी विधानसभा घेराव करेगी, जिसको लेकर के कारी शोएब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को जब तक जवाब नहीं देंगे मुख्यमंत्री कि आखिर बिहार में उनको जो सत्ता मिली है, उन्होंने जो वादा किया था 19 लाख रोज़गार देने का, वो वादा कब पूरा होगा और क्या कुछ कह रहे हैं कारी शोएब, आप सुनिए। जो सवाल है असल कि भाई भाजपा ने, नीतीश कुमार जी ने वादा किया था 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, अस्थायी नौकरी देंगे, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि हम 19 लाख लोगों को देंगे। तो सवाल ये है कि 19 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है, 5 महीना बीत गए। फिर यह है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, 28 लोगों का एक दिन में हत्या हो जा रहा है। फिर हमारे संविदा कर्मी जो हैं उनको परमानेंट नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षक लोग हैं वो बेचारे मार खा रहे हैं, 94,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देना है वो नहीं कर रहे हो, 12,000 उर्दू के लोगों को आपको देना है ग्रेस मार्क देकर के उनको बहाल करना है वो नहीं कर रहे हो, इन लोगों का काम करना है तो कोर्ट में उलझा रहे हो। तो इन सारे सवालों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जेपी गोलंबर से चल के हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे और हमारा दायित्व बनता है कि चूंकि बिहार ने तेजस्वी जी को मैंडेट दिया था तो उनके सवालों को तेजस्वी जी उठाते रहेंगे जब तक के उनका अधिकार नहीं मिल जाए, जब तक के रोजगार नहीं मिल जाए 19 लाख, जब तक के महंगाई कम नहीं हो जाए, जब तक के वो जो डॉक्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, इन तमाम लोगों की जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती है हम उनके लिए आंदोलन करते रहेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पर कारी शोएब का कहना है कि विधानसभा घेराव में जो है बिहार के हर हिस्सों से जो है वो लोग आएंगे, पटना यहाँ तक कि छोटा पड़ जाएगा जब तेजस्वी यादव के साथ पूरा बिहार जो है विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेगा। आपको बता दें 23 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रही है आरजेडी, जिसको लेकर के तमाम तैयारी जो है वो हो चुकी है। उस दिन विधानसभा घेराव करके नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव और साथ में बिहार की जनता सवाल पूछेगी, जिन वादों को आपने चुनाव के समय कहा था वो वादा आखिर कब पूरा होगा। साथ में ये भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव की आरजेडी जब सड़क पर निकलेगी तो क्या कुछ दमखम दिखेगा, क्या उनका विधानसभा घेराव जो है वो सफल होगा या फिर नहीं होगा, ये भी देखना अहम हो जाएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।